हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावनास कॉर्नर। फ्रेंड्स, आज हम माता रानी के लिए सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करना ना भूलें। तो चलिए ड्रेस बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बुकरम। यहाँ पर मेरे पास बुकरम नहीं था तो मैं यहाँ पर एक हार्ड पेपर ले रही हूँ। इस पेपर की लंबाई मैंने 4.2 इंच ली है और इसका घेर 7 इंच, कमर हमने 4.5 इंच ली है। अब हमें बुकरम को नीचे से राउंड में हल्का सा काट लेना है और ऊपर से भी राउंड में थोड़ा सा काट लेना है। अब हम लहंगे में लगाने के लिए फ्रिल काट लेंगे। इसकी चौड़ाई मैंने 2 इंच ली है और लंबाई 20 इंच। ये हमने एक तैयार करनी है। अब हम दूसरी फ्रिल भी इसी तरीके से काटेंगे, पर उसकी लंबाई हमने 23 इंच रखनी है और उसकी चौड़ाई 1.5 इंच। इसी नाप की हमने एक फ्रिल और तैयार कर लेनी है। 2 फ्रिल हमने 23 इंच की ली हैं और एक फ्रिल हमने 20 इंच की ली है और इन सभी को अंदर से फोल्ड कर लिया है। अब हम बुकरम में इस तरीके से राउंड शेप में मार्क करेंगे और इन्हीं मार्क में हमने अपनी फ्रिल लगानी है। सबसे नीचे हमने 2 इंच चौड़ी और 20 इंच लंबी वाली फ्रिल लगानी है। इस तरीके से हम फ्रिल को लगाएंगे। साथ ही फ्रिल को इस तरह सेट करके मैं इसमें आलपिन लगा रही हूँ। आलपिन लगाने से फ्रिल ऐसे ही रहेगी, सेट हो जाएगी और इन्हें सुई से अटैच करने में इजी भी रहेगा। आलपिन से अटैच करने के बाद इस तरीके से मैं इसे आराम से सिल लूँगी। इस तरीके से हम सारी फ्रिल लगा लेंगे। देखिए, मैंने सारी फ्रिल लगा ली हैं, सारी फ्रिल इसमें अटैच कर दी हैं। फ्रिल लगाने का ये एक इजी तरीका है। इस तरीके से हमने सारी फ्रिल को एक साथ तैयार कर लेना है और आलपिन से इसे अटैच करते जाना है और बाद में हमें इसको बुकरम में रख के सिल देना है। ये देखिए, मैंने दूसरी फ्रिल भी लगा ली है और तीसरी फ्रिल को आप जिस तरीके से आपको इजी लगे उस तरीके से आप लगा सकते हैं। अब मैं इसमें डोरी अटैच कर रही हूँ। हमें दोनों साइड में डोरी अटैच करनी है। अब हम इसकी चोली तैयार करेंगे। चोली के लिए मैंने चौड़ाई 2 इंच ली है और लंबाई 3 इंच। हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इस साइड से हम वी शेप में कट कर लेंगे। ये गले की साइड का है और इस साइड से बाजू की साइड से हम कट कर रहे हैं। स्लीव्स की साइड से मैं राउंड शेप में कट कर रही हूँ और कट करने के बाद देखिए इस तरीके से दिखेगा। और अब हम इसमें लेस लगा लेंगे। गले में हमने इस तरीके से लेस लगानी है। ये देखिए, मैंने पूरी चोली में लेस लगा ली है। अब हम इस चोली में डोरी लगाएंगे। 2 डोरी हमने ऊपर की साइड लगानी है और 2 डोरी हम नीचे की साइड भी लगाएंगे। अब हम माता रानी की चुन्नी तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 इंच लंबाई ली है और 2 इंच चौड़ाई। चुन्नी के लिए मैंने 3.5 इंच लंबा रिबन लिया है। चोली के मैचिंग के लिए मैंने यहाँ पर इस रिबन को कट किया है। क्योंकि हमारी चोली ग्रीन कलर की है तो मैं इस चुन्नी में भी थोड़ा ग्रीन टच देना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस रिबन को इसमें लगा रही हूँ। हमें इस तरीके से रिबन को सिल लेना है।
इसकी एक फ्रिल टाइप की बन जाएगी और हमें इसे लास्ट में चुन्नी में अटैच कर देना है। इसी तरीके से हमने दोनों रिबन तैयार करने हैं और दोनों साइड में अटैच कर देने हैं। हमारी जितनी चुन्नी की चौड़ाई है उतना चौड़ा हमने इसको रखना है। अब इसको हम इसमें स्टिच कर लेंगे। इसके ऊपर हम ऐसे लेस भी अटैच कर लेंगे, क्योंकि हमने ये लेस लहंगे में भी अटैच करी है इसलिए हम इस चुन्नी में भी इस लेस को लगा रहे हैं। देखिए हमारी चुन्नी बनकर तैयार हो चुकी है। अब इस लहंगे को मैं थोड़ा डेकोरेट कर रही हूँ। ये देखिए हमारा लहंगा चोली तैयार हो चुकी है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।